नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज की वीडियो है 13 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर एक, भारत सरकार द्वारा किए गए मिशन मौसम की अवधि क्या है? तो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया जो मिशन मौसम, इसकी अवधि है 2 वर्ष। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 सितंबर 2024 को हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को मंजूरी दे दी है। जो मिशन मौसम है, तो ये मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान में भारत की अनुसंधान और विकास क्षमता को मजबूत करेगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, ये मिशन मौसम योजना का क्रियान्वयन करेगा। तो जो मिशन मौसम योजना है, इसका क्रियान्वयन करेगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। और इस मंत्रालय के अंतर्गत 3 संस्थान है, कौन कौन से है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD न्यू दिल्ली, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में, और तीसरा है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में। ये 3 संस्थान मिशन मौसम को लागू करने वाले प्रमुख संस्थान होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत में किसके सहयोग से यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया गया? तो भारत ने किसके सहयोग से UKIIFB लॉन्च किया है? तो ब्रिटेन के सहयोग से। तो ब्रिटेन के सहयोग से भारत ने यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज लॉन्च किया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज के शुभारंभ की घोषणा की है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को लागू करेगा? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को लागू करेगा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के चौथे चरण को मंजूरी दे दी है। तो PMGSY का चौथे चरण को मंजूरी दे दी गई है और भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है PMGSY, तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 को। और जो PMGSY फोर्थ है, तो इसकी जो चौथा चरण है, तो इसकी अवधि होगी 5 वर्ष, 2024-25 से 2028-29 तक। तो 5 वर्ष की इसकी अवधि होगी। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट, जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है वर्तमान में? तो शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है और इसी मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो जो ओशन 2024 है, तो इसको प्रारंभ किया है रूस ने। सी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा देश द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अल नहाज के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो अल नहाज के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? ओमान। तो द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को गहरा करने के अपने प्रयास को जारी रखते हुए भारतीय और ओमानी सैन्य, जो ओमानी सैन्य बल है, ये सितंबर 2024 में द्विपक्षीय अभ्यासों की एक श्रृंखला आयोजित करेगा। जो अभ्यास अल नहाज 2024, तो अल नहाज 2024 जो है,
ये भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अल नहाज का पांचवां संस्करण 13 से 26 सितंबर तक ओमान के सलालाह में रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। तो ओमान के रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया जाने वाला है एक्सरसाइज अल नहाज 2024। 2015 से अल नहाज अभ्यास आयोजित किया जा रहा है और ये प्रत्येक 2 वर्ष में भारत और ओमान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इससे पहले जो चौथा अल नहाज अभ्यास है ये 1 से 13 अगस्त 2022 राजस्थान में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है इस पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। बी ऑप्शन नरेंद्र मोदी सही जवाब है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2024 को हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। जो ग्रीन हाइड्रोजन है तो इस पर 3 दिवसीय दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और इस सम्मेलन का उद्देश्य है भारत को वैश्विक हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र में अग्रणी रूप से स्थापित करना। भारत सरकार द्वारा देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया। तो 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह किसने किया? तो 250 से अधिक भूकंप के जो कंपन का डेटा है इसे संग्रहित किया है चंद्रयान 3 ने। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो चंद्रयान 3 ने हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह किया है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से 250 से अधिक भूकंपीय संकेतों का पता लगाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर दी है, जिसमें 50 ऐसे अनोखे संकेत शामिल हैं जो संभावित रूप से चंद्र भूकंप से जुड़े हो सकते हैं और जो चंद्रमा की धरती पर भूकंप के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8, नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जो नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन है तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो नई दिल्ली ने 11 और 12 सितंबर 2024 को नागरिक विमानन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की। और जो नागरिक विमानन पर जो पहला एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन था ये 2018 में बीजिंग चीन में आयोजित किया गया था। नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का जो उद्घाटन है तो भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2024 सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो सेमिकॉन 2024 इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। डी ऑप्शन सही जवाब। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया, जो आयोजन हुआ 11 से 13 सितंबर तक। और जो सेमिकॉन इंडिया 2024 का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक नेताओं, सेमीकंडक्टर उद्योग के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों को भारतीय सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने और बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। थीम क्या रखी गई है?
थीम रची गई इस बार की सेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। तो ये थीम रची गई है। क्वेश्चन नंबर 10, शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो मध्य प्रदेश शहरी क्षेत्र के सभी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों ये हो गए आज 13 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।